12th जून अभी उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हीट वेव एंड हॉट वेदर कंडीशन प्रिवेल कर रहे। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटा में था बरगार बोलांगीर में 44.5 डिग्री सेल्सियस, सोनपुर में था 44.3 डिग्री सेल्सियस, हमारा भुवनेश्वर में सिटी में था 42.6 डिग्री सेल्सियस। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश भी एक दो जगह करके हुआ है। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का आउल में हाईएस्ट बारिश था 17.0 मिलीमीटर, उसके बाद भद्रक डिस्ट्रिक्ट का भद्रक में 12.8 मिलीमीटर, भवानीपटना कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में 11.6 मिलीमीटर। और अभी फोरकास्ट हमारा जो है अगला 5 दिन ही हीट वेव कंडीशंस रहने का संभावना है। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा नॉर्थ इंटर उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट सोनपुर बौद्ध बोलांगीर नयागढ़ खुर्दा कटक इसमें कुछ कुछ स्थानों पर, बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी एक दो जगह करके हीट वेव कंडीशन रहने का चांसेस है। नॉर्थ इंटर उड़ीसा में सीवियर हीट वेव भी होने का चांसेस है। अगला दो दिन में हीट वेव व हॉट वेदर कंडीशन सीवियर हीट वेव टू सीवियर हीट वेव रहने का चांसेस है। फिर 13, 14, 15 में भी हमारा हीट वेव मेनली इंटर उड़ीसा में का डिस्ट्रिक्ट में रहने का चांसेस है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का भी पॉसिबिलिटी है एक दो जगह करके। 14th में स्लाइटली बारिश इंक्रीज करने का चांसेस है, उसमें साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर और नॉर्थ उड़ीसा में एक दो जगह करके बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ होने का चांसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ गस्टी सरफेस विंड भी 30-40 नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। 14th में साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ का उड़ीसा का भी एक दो जगह में होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में भुवनेश्वर सिटी में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 43-44 के आसपास जाने का चांसेस है। और थंडर एक्टिविटी भी इवनिंग में नाइट का तरफ कुछ कुछ एरिया में हो सकता है।